Hello everyone, welcome to My Academy. Please subscribe to our channel for more updates and press the bell icon to get notification of our latest video. इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं हम नया सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट आपके गेट आईएएस एंड बार्क इसरो डीआरडीओ डीएमआरसी और बेल एंड अदर पीएससी एग्जाम के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से गेट में और आईएएस में दो पार्ट में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. हाफ जो इसके पोर्शन होते हैं उसको फर्स्ट पेपर में आता है और हाफ पोर्शन इसके सेकेंड पेपर में आता है. लेकिन गेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरे जो आपके इसमें मैं 8 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है, तो आपको एक एक करके मैं पहले सबसे बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें वेक्टर एनालिसिस होगा. जो बेसिक अगर आपको समझ में आता है तो आपको आगे इजी हो जाएगा प्रोसेस. अगर आपको फर्स्ट जो आपका यूनिट है वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट ये सब स्केलर क्वांटिटी क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना क्या है, तो आपके आगे जाके इजी हो जाता है सब्जेक्ट. अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा. अगर आप थ्योरी समझ भी गए तो आप जब क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन होगा नहीं, या अगर रूम पे क्वेश्चन हो भी गया तो गेट एग्जाम में तो क्वेश्चन एटलीस्ट नहीं होगा, आप फंस जाएंगे. तो इसलिए सबसे पहले हम इसके बेसिक को डिस्कस करेंगे और बेस बना लेंगे हम, ताकि बेस अगर हमारा मजबूत हो जाएगा, यानी कि जो वही बेस बेसिक चीजें हम डिस्कस करेंगे जो रिक्वायरमेंट है आगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिशन लाइन या वेव गाइड एंटीना या स्टडी स्टेट मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे हम. वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वही चीज़ हम बेसिक में पढ़ेंगे. और ये आपको बेसिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाता है गेट में. तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे. देखिए सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस. वेक्टर एनालिसिस में आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट यही सब आपको पढ़ने हैं बेसिक चीज. उसके बाद कोऑर्डिनेट. आपको पता है कि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और ये सब हम आगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को ही हम कहते हैं, तो ये आपका वेक्टर एनालिसिस प्लस कोऑर्डिनेट. इसमें आपको वेक्टर एनालिसिस में टू पार्ट में मैंने इस चीज को डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट है आपका वेक्टर एलजेब्रा. वेक्टर एलजेब्रा और सेकेंड वन इज वेक्टर कैलकुलस. वेक्टर एलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. और आपके अगर आगे के जितने भी यूनिट पढ़ने हैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पर पूरे कमांड होना होगा. अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम पर पूरा कमांड होता है तब ही जाके आप जो आगे क्वेश्चन बनेंगे आगे यूनिट का वो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे. मतलब कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ही नहीं आएगा तो वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में सबसे ड्रॉबैक यही है कि ये थोड़ा सा बच्चों को ऐसे लगता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और दूसरी चीज ये लगता है कि आगे वो जब पढ़ते हैं और कोऑर्डिनेट और वेक्टर एनालिसिस पे उनका कमांड अगर नहीं होता है बेसिक, तो आगे उनको बहुत डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो उन्हें ऐसे लगता है कि ये सब्जेक्ट मतलब समझ में ही नहीं आता है. ऐसा नहीं है, आप माय एकेडमी से जुड़े रहिए और एक एक लेक्चर अपलोड होगा. जैसे कि आज फर्स्ट लेक्चर हुआ, तो आप फर्स्ट लेक्चर पहले देखिए, फिर सेकेंड लेक्चर देखिए, फिर थर्ड लेक्चर देखिए. ये नहीं कि आप सीधे आप फोर्थ लेक्चर को देखने लग गए और फाइव लेक्चर को देखने लग गए और फर्स्ट सेकंड थर्ड को आपने देखा ही नहीं, तो इसके वजह से आपको डिफिकल्टी हो सकती है. इसलिए आप सीरियल वाइज वीडियो देखें और एक एक वीडियो देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा सब्जेक्ट, जैसे देखिए कंट्रोल सिस्टम हुआ, नेटवर्क हुआ या कम्युनिकेशन को नहीं कर सकते, और आपका डिजिटल हुआ, ये सब आपके लिंकेड बहुत कम है. जैसे कि अगर आपको मक्स पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो अगर आपको मक्स पढ़ाया जाए तो आपको इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें बेसिक जो आपका और ऑपरेशन और एडिशन होता है बाइनरी का, तो वो आप इजीली कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ऐसा नहीं है. आप थ्योरिटिकल पार्ट को समझ जाएंगे, जैसे नेक्स्ट में हम कूलम्स लॉ बायो सेवर्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको थ्योरी लगेगा हाँ हाँ ऐसे होता है, बट आप क्वेश्चन जब बनाने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे. तो इसलिए आप मेरा बात मानिए, एक बार आप शेड्यूल से पढ़िए. शेड्यूल इन द सेंस कि फर्स्ट लेक्चर पढ़िए, फिर सेकेंड लेक्चर को देखिए वीडियो को, फिर थर्ड वीडियो को, ऐसे आप शेड्यूल से देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकंड यूनिट हमने जो लिया है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड.
स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लस बेसिक फिजिक्स, इसमें कुछ हम डिस्कस करेंगे। बेसिक फिजिक्स में हम वही चीज डिस्कस करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, बस ये नहीं कि हम पूरा फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, नहीं। थर्ड में आपका स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, एंड फोर्थ में डीप पोर्शन में है टाइम वेरिंग फील्ड। टाइम वेरिंग फील्ड प्लस मैक्सवेल इक्वेशन, आपको ये आपके लिए जो जितने भी अगर आप डीएमआरसी और बेल और आईईएस का ऑब्जेक्टिव पेपर को अगर देने जा रहे हैं एग्जाम, तो आपके लिए मैक्सवेल इक्वेशन और टाइम वेरिंग फील्ड ये सभी चीज आपके सीधे क्वेश्चन पूछ जाता है। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन आपका सीधे स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कौन सा है या कौन सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा मैक्सवेल इक्वेशन। और जो आपका ई पोर्शन है वो ईएमए वेव, और एफ पोर्शन जो है आपका ईएमए वेव ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गेट से यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं और यहां से ईएस वगैरह में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट में है वेव गाइड, सर्कुलर वेव गाइड, रेक्टेंगुलर वेव गाइड, वहां पर हम सभी चीज डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन एंटीना, एंटीनाज को डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए ये जो आपका पूरा टॉपिक है ये पूरा गेट को कवर करता है, गेट एग्जाम के लिए और अदर पीएसयू एग्जाम के लिए आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए, यानी कि आपको ये पढ़ा होना चाहिए क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है ये। अगर आपको वेक्टर आता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, तभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिक्स फील्ड को समझ पाएंगे, अच्छा से कर पाएंगे। तो इसलिए आप एक एक यूनिट को इजीली अगर आपको समझना है तो आप शेड्यूल ढंग से यानी कि एक एक वीडियो को देखते जाइएगा। अब आईईएस की बात करते हैं। आईईएस में इस सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इसमें फोर्थ नंबर देखिए ये, इसको हम मान लेते हैं ये आपका ये वन पार्ट है, ये टू पार्ट सेकेंड पार्ट है डी में। तो जो आईईएस का सिलेबस है वो पेपर फर्स्ट की बात करें हम तो बेसिक आपका इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल वो भी हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल, और प्लस सेकेंड यानी कि ये आपका सॉरी ये बी यानी कि हाँ बी पोर्शन, और आपका सी ये बी और सी, एंड डी का फर्स्ट पोर्शन एंड टाइम वेरिंग फील्ड, यानी कि ये डी का सिर्फ फर्स्ट पोर्शन ये आपका पेपर वन में है। आईईएस में पेपर वन में ये टॉपिक है और इसके अलावा सभी टॉपिक पेपर टू में है, जैसे कि ईएम वेव, ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड एंड एंटीनाज, और ये वेक्टर एनालिसिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पेपर वन में है, सॉरी पेपर टू में है। और पेपर वन में बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड बी पोर्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस बेसिक फिजिक्स, एंड सी पोर्शन यानी कि स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, और डी पोर्शन जो है आपका ये टाइम वेरिंग फील्ड, ये आपका पेपर फर्स्ट में है। हालांकि पेपर फर्स्ट और पेपर टू में सिर्फ एग्जाम पर्पज से इसको डिवाइड किया गया है, बट अगर आपको फर्स्ट यूनिट नहीं आता है तो सेकेंड नहीं आएगा, सेकेंड नहीं आता है तो थर्ड नहीं आएगा, तो इसलिए ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये था आपका सिलेबस, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और इसे कुछ लोग ईएमएफटी भी कहते हैं, ये कुछ लोग इसे ईएमटी कहते हैं, कुछ लोग ईएमएफटी भी बोलते हैं। हम बीटेक में जब पढ़ते हैं तो ईएमएफटी ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और फोर्स फील्ड इफेक्ट होता है उसमें, फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, और ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बोलने से कुछ भी मतलब बोला जाए, लेकिन मेन जो उसका सिलेबस है वो इसी सभी टॉपिक है उसमें भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी में हम स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या टेंसर क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। इसमें हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Please like and share this video and don't forget to subscribe to our channel for more updates. अगर आप माई अकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 7503304182 पर एड मी टाइप करके सेंड कीजिए। इसका फायदा यह होगा कि माई अकेडमी के सभी वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।